एक्सरे मॉड माइनक्राफ्ट 1.19 के लिए जानना चाहते हो कैसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें? वीडियो को आगे देखते रहो। देखिए तो सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पे आपको क्लिक करना है, वो आपको इस वाले वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये देख रहे हैं, इस वाले वेबसाइट के जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट 1.19 के लिए ये मॉड आपको देखने को मिलेगा। पहले जितने भी वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे वो 1.18 के लिए बना हुआ है, ये लेटेस्ट है जो अभी इन्होंने रिलीज किया है। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको माइनक्राफ्ट ओपन करना है। माइनक्राफ्ट आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन बटन। आपको ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। ऑप्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसोर्स पैक, आपको रिसोर्स पैक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन पैक फोल्डर पे। अब ये जैसे ही आपने ओपन पैक फोल्डर किया, ये आपका माइनक्राफ्ट का फोल्डर खुल गया जहाँ पे सारे रिसोर्सेस रखे जाते हैं या फिर मॉड्स रखे जाते हैं। अगर ये इस तरीके से आपका नहीं खुलता है तो आप सर्च बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं परसेंटेज ऐप डेटा परसेंट। अब ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सीधा ऐप डेटा वाला फोल्डर दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा माइनक्राफ्ट डॉट माइनक्राफ्ट फोल्डर। डॉट माइनक्राफ्ट फोल्डर पे आपको जाना है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खोजना है रिसोर्स पैक का फोल्डर। रिसोर्स पैक के फोल्डर के अंदर जाइएगा, ये और जो आप पहले खोले हैं आप, ये दोनों सेम फोल्डर है। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी मॉड है वो आपको यहाँ पे कॉपी करना है। अब हम लोगों ने जो अपना फाइल डाउनलोड किया था मॉड पैक, उसे यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे और इस फोल्डर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम लोग वापस अपने माइनक्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को एक्सरे अल्टीमेट 1.19 यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक अवेलेबल दिखाएगा। ध्यान रखिएगा ये पैक आपके माइनक्राफ्ट 1.19 के लिए है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहा है एक्सरे पैक वर्जन 4.2.2, उसके साथ लिख रहा है यूज ऑप्टिफाइन व्हेन पॉसिबल। अगर आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए इस मॉड का तो आपको ऑप्टिफाइन भी इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी पे या फिर जहां पे भी आप खेलते हैं अपने माइनक्राफ्ट पे बेसिकली कह लीजिए। तो ऑप्टिफाइन कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी मैं ऑप्टिफाइन आपको डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको इस प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। प्ले बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है और आपका माइनक्राफ्ट दोबारा से ओपन होगा। यहाँ पे आपको डन करना है और उसके बाद खोलना है आपको अपना वर्ल्ड। वर्ल्ड खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसा देखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने किया प्ले सिलेक्टेड वर्ल्ड और ये हमारा गेम होने लग गया लोड। भाई ये देखो सारा खेल कितना सुंदर लग रहा है बिना ऑप्टिफाइन इंस्टॉल किए भी, क्योंकि ये जो वर्जन है एक्सरे का वो 1.19 के लिए ही आया है। अभी तक YouTube पे जितने भी वीडियोस थे वो 1.18 वर्जन को चला रहे थे। अब तुम लोग यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके देख लेना दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। यहाँ पे मैंने ऑप्टिफाइन नहीं इंस्टॉल कर रखा है अभी के लिए। तो देखो ये है रात का सीन, रात में तो आपको ठीक से नहीं पता चल रहा होगा, तो मैं अभी आपको दिन का सीन दिखाता हूँ। लेकिन इसमें भी देखो आपको नीचे सारे रिसोर्सेज दिख रहे हैं, ये नीचे मुझे कोल वगैरह दिख रहा है और स्टोन वगैरह अभी भी मेरे को दिख रहा है। लेकिन चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से सुबह वाले सीन में लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं ये मॉड का खेल। ये देखो मैं आप लोगों को लेके आया गया हूं दिन में और देखो इस मॉड का खेल, भाई हर कुछ कितना बढ़िया से दिख रहा है, हर आपको रिसोर्स आपको बढ़िया से दिखेगा। यहां पे ये स्टोन ब्लॉक्स है आपको अच्छे से दिख रहा है और कोल वगैरह सब कुछ आपको यहां पे क्लियरली दिखेगा, एकदम एक्सरे जैसा काम कर रहा है। वहां पे देखिए सीधे चलते हैं आपको लेके, देखिए लेक वगैरह दिख रहा है, लेक वगैरह के आसपास आपको कौन-कौन से ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे ये सभी चीज आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। सो गाइज ये था एक्सरे मॉड। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप इस मॉड को यूज करने के बाद कौन सा ब्लॉक आप सबसे पहले माइन करने जाओगे, जरूर से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जाके, मुझे इंतजार रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर से दबा देना। वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है यार, बस इसे पूरा करा दो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।